मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून एवरी वन आज आपका क्लास यू पी एस आई मॉक टेस्ट थ्री कल क्लास नहीं हुई थी माई डियर जैसा कि मालूम है कि मॉक टेस्ट का मतलब है एग्जैक्ट यू पी एस आई पैटर्न क्वेश्चन जहाँ फोर्टी क्वेश्चन आते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस मॉक का फ़ायदा आप सभी को हो रहा होगा तो काइंडली सभी छात्र का वीडियो को लाइक और शेयर कर दें टाइम में बदलाव हुआ है जो टाइमिंग एलेवन थर्टी की थी वह टाइम अब आपकी वन थर्टी से होगी और मैंने कहा कि मैं लगभग दस मॉक करवाऊंगा इस दस मॉक के बाद ही आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप फोर्टी का फोर्टी बना सकते हैं और यदि यूपीएसआई में आप फोर्टी का फोर्टी क्वेश्चन सॉल्व कर दे दैट मीन हंड्रेड मार्क्स आपके मुठ्ठी में आ गया तो पंकज प्रशांत निशांत मुदासिर चौहान गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मीरा गुड आफ्टरनून एवरी सभी छात्र का स्वागत है वेरी मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं सभी छात्र रिप्लाई करने का प्रयास करना अपने अपने आंसर ए बी सी डी के रूप में तो हरी आप क्वेश्चन नंबर वन और यह जो मॉक बनाया जाता है इसमें यह प्रयास होती है कि एग्जैक्ट पैटर्न चाहे वो ब्लड रिलेशन हो इनपुट आउटपुट हो या टॉपिक आपके डिसीजन मेकिंग हो आकिब खान गुड आफ्टरनून हेलो गुड गुड आफ्टरनून यह टॉपिक बी का क्वेश्चन है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए और आप लोग के बैच में मैथ का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है मैथमेटिक्स का वह प्रतिदिन नहीं वीक में तीन दिन होती है टीटीएस ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे ढाई बजे क्लास होगी किसकी मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट और यूपीएसआई की आप तैयारी करते रहें बीस अक्टूबर के लिए क्या होगा नहीं होगा इस पर सोचना बंद करके अपनी तैयारी को जो जा रखें जारी प्लीज एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा एक गर्ल है उसकी ओर इशारा करते हुए एक मेल मेंबर ने कहा एक लड़की की ओर इशारा करते पुरुष ने कहा वह मेरे बेटे के भाई की माँ के बेटी की बेटी है उस लड़की का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है सभी छात्र रिप्लाई करें एक लड़की हैं उसके ओर इंडिकेट करते पुरुष ने कहा कि वह मेरे बेटे के भाई की माँ तो ये बताओ ये क्वेश्चन हैं एक पुरुष ने कहा कि वह मेरे बेटे के भाई तो इसके बेटे का भाई भी बेटा ही होगा बेटे के भाई की माँ माँ का मतलब है कि इसकी वो पत्नी है बेटे के भाई का मतलब इसका पुत्र कि माँ का उसकी पत्नी है मां के बेटी की बेटी है तो मां की बेटी की बेटी है इसका मतलब पुत्री की पुत्री क्या हो जाएगी नाती या नतनी क्या हो जाएगी तो बेटी की बेटी है तो नाती वर्ड हो गया जेंडर नतनी वर्ड बोलेंगे अर्थात डी होगा नतनी नाती हो गया प्लस नती अर्थात मैटर्नल ग्रैंड डॉटर नतनी बी नहीं होगा नाती मतलब मेल जेंडर बेटी की बेटी को देवता देवती नतनी अर्थात डी मुदासिर चौहान बी नहीं नाती जेंडर होता है नाती नतनी तो क्या बोलेंगे पोती या नतनी डी वेल्डन नेक्स्ट ए बी की भांजी है जो सी का भाई हैं तो बी की बहन है कोई और ए बी की भांजी हैं ए बी की बहन की बेटी ए बी की भांजी है जो सी का भाई है जो बी के लिए है बी का भाई कौन है सी प्लीज ए बी की भांजी है बहन की पुत्री जो सी का भाई है जो बी के लिए हैं एंड डी का दामाद हैं जो सी का पिता है एन डी का दामाद है जो सी का पिता है तो डी किसके फादर हैं सी के तो यही कन्फर्म हो गया एन डी का दामाद हैं जो सी का पिता है ये जो किसके लिए हैं डी के लिए तो डी किसके पिता हैं सी का और एन डी का दामाद है तो डी के दामाद का मतलब ही हो गया कि पुत्री का हस्बैंड, तो यहाँ मैं डी कर दिया यहाँ एन कर दिया एन दामाद है डी का तो एन डी का दामाद है जो सी का पिता है डी की केवल एक बेटी है तो डी की केवल एक बेटी है तो ये बेटा हो जाएगा एम डी की सास है एम डी की सास है तो डी की कोई पत्नी और उसकी माँ का नाम एम तो एम डी की सास है तो एम का ए से क्या संबंध है हाउ इज एम रिलेट टू ए तो एक की मां कोई महिला है और मां की मां नानी नानी की मां पर नानी ऑप्शन नंबर ए पर नानी ए रिप्लाई करना ऑल ऑफ यू सर डी आई का ऑफलाइन बैच कब से स्टार्ट हुआ कुमार ओम डी आई का बैच नेक्स्ट वीक मंडे से ए देखो मैंने पूछा कि एम का ऐसे क्या संबंध है तो ए की मां माँ की माँ नानी और नानी की माँ ग्रेट ग्रैंड मदर पर नानी ए अभिषेक पहल गुड आफ्टरनून डियर गुड आफ्टरनून सभी छात्र के वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें यह टॉपिक आपका हो गया डिसीजन मेकिंग दिस टॉपिक इज डिसीजन मेकिंग जिसके क्वेश्चन तीन से पाँच आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब देने के लिए ध्यान से पढ़ें एबीसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद के उम्मीदवारों की योग्यता के लिए मापदंड निम्नलिखित हैं एबीसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद के उम्मीदवारों के लिए योग्यताएं निम्नलिखित हैं राइट right? यह डिस क्वेश्चन हैं और यूपीएससी में मिनिमम तीन क्वेश्चन इससे आने आने हैं राइट right? अदा अदरान गुजर गुड आफ्टरनून एक बार सभी छात्र वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना माईडियर यहाँ देखें कम से कम पचहत्तर परसेंट कम से कम पचहत्तर परसेंट अंकों के साथ बारहवीं की परीक्षा पास की हो सेवेंटी फाइव परसेंट अंक के साथ बारहवीं की परीक्षा पास हो कम से कम एट्टी परसेंट अंकों के साथ बी बी की परीक्षा पास हो ट्वेल्थ की परीक्षा सेवेंटी फाइव परसेंट के साथ बी की परीक्षा अस्सी परसेंट अंकों के साथ मेरा फादर ऑफ रजी सर थैंक यू वेरी मच तो पहला कंडीशंस है कि बारहवीं होना चाहिए सेवेंटी फाइव परसेंट सेकेंड कंडीशन से माइडी कम से कम अस्सी परसेंट के साथ बी की परीक्षा पास हो थर्ड है कम से कम सत्तर परसेंट अंकों के साथ इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर हो पीजी हो हों और फोर्थ हैं एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम पाँच साल का अनुभव हो चार कंडीशंस हैं नंबर वन बारहवीं क्लास में पचहत्तर परसेंट अंक हो बीटेक बी में 80% अंक हो तीसरा में स्नातकोत्तर में सत्तर इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम पांच साल का अनुभव हो ओके अब यहां देखें एक उम्मीदवार सारे मापदंड को पूरा करता हो सिवाय वन वन का मतलब इसके लिए वैसे उम्मीदवार जो बारहवीं में पचहत्तर परसेंट अंक प्राप्त नहीं किए हैं उनके लिए लिखा हुआ है कि यह मामला प्राचार्य के पास भेजा जाएगा वैसे उम्मीदवार जिनकी बारहवीं में पचहत्तर परसेंट अंक नहीं हैं उस मामले को हम प्रिंसिपल के पास भेजेंगे क्लियर अब देखना शक्ति बल का जन्म 2 मार्च उन्नीस को हुआ इससे कोई मतलब है नहीं बारहवीं में एट्टी परसेंट वन फुलफिल हैं स्नातक और स्नातकोत्तर में एट्टी फाइव परसेंट टू और थ्री भी हैं इसने इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां हासिल की हैं लेकिन बताएं क्या कंडीशन फोर के बारे में कोई जानकारी है रिप्लाई में क्या फोर के बारे में कोई जानकारी है फोर कह रहा है कि उसके पास कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव हो पांच वर्ष का अनुभव है या नहीं आई डोंट नो मेरे पास कोई जानकारी नहीं है तो हम यह बोलें कि दिए गए तथ्य निर्णय के लिए आप पर्याप्त हैं बी राइट माई डियर वेल डन नेक्स्ट रघु का जन्म इतने को हुआ बारहवीं में एट्टी परसेंट सेकेंड भी फुलफिल हैं थर्ड भी फुलफिल हैं एक्स वाई जेड में पांच वर्ष का अनुभव है चार भी फुलफिल चारों फुलफिल हो गया इसका मतलब उम्मीदवार का चयन होगा ट्वेल्थ क्लास में भी नंबर हैं पीजी, बीटेक में भी एमटेक में भी अनुभव भी हैं अर्थात उसका चयन होगा क्योंकि चारों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं नेक्स्ट राजेश का जन, जन्म बाईस जनवरी उन्नीस को हुआ उसे बारहवीं परीक्षा में सत्तर परसेंट अंक मिले इंजीनियरिंग में और ये भी हैं दो वर्षों का अनुभव है अनुभव कंडीशन नंबर फोर फुलफिल नहीं हो रहा है अनुभव चाहिए फाइव ईयर या नहीं है जब अनुभव नहीं आइडिया तो क्या करोगे उम्मीदवार का चयन नहीं होगा सी मींस तीन क्वेश्चन को आप दो मिनट के अंदर बना सकते हैं बाई लॉजिकल वे राइट नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से असंगत का पहचान करें इन चार में कौन अलग है तो देखो जेड का 26, 24, 22, 24 ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी टू नाइनटीन ट्वेंटी थ्री एटीन और फोर्टीन माइनस माइनस टू माइनस टू माइनस फोर माइनस फोर माइनस थ्री माइनस थ्री यहां है माइनस फाइव माइनस चार डी डीज और वन आउट इसका आंसर क्या होगा डी क्योंकि एबीसी में समान है माइनस टू माइनस टू माइनस फोर माइनस फोर माइनस फाइव माइनस माइनस थ्री माइनस थ्री लेकिन यहां इरेगुलर हो गए दैट्स वाइट डीज ऑड वन आउट नेक्स्ट संध्या प्रवीण से पूर्व की ओर है संध्या का लोकेशन प्रवीण से ईस्ट में है संध्या प्रवीण के ईस्ट में है संध्या प्रवीण से पूर्व में है जो प्रवीण के लिए है जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम में है जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम में संध्या प्रवीण से पूर्व में है जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम में है जो विजय से उत्तर पूर्व में है जो विजय से उत्तर पूर्व में है विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम दक्ष की ओर है, और प्रवीण से दक्षिण की ओर है। अब यही कन्फर्म थोड़ा सा देखो क्वेश्चन कितना घुमा रहा है संध्या प्रवीण से पूर्व में है तो यहां मैंने लिखा संध्या और यहां लिखा प्रवीण तो संध्या प्रवीण से ईस्ट में है संध्या प्रवीण से पूर्व की ओर है जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम में ये जो किसके लिए है प्रवीण के लिए है तो यहां मैंने कर दिया दिव्या दिव्या से ये दक्षिण पश्चिम में जो विजय से उत्तर पूर्व की ओर है जो विजय से उत्तर पूर्व की ओर है मैं नहीं मालूम विजय जो किसके लिए है दिव्या के लिए तो दिव्या विजय से उत्तर पूर्व की ओर है विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है इसका मतलब यहां विजय विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है और यह भी कंफर्म है कि संध्या प्रवीण से पूर्व की ओर है जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है जो विजय से उत्तर पूर्व ओर है विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम ओर है और प्रवीण से दक्षिण ओर है प्रवीण से दक्षिण की ओर है इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि प्रवीण से दक्षिण की ओर यह विजय है देखो विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है और प्रवीण से दक्षिण की ओर है तो प्रवीण तो से दक्षिण की ओर का मतलब है कि यहां विजय है यहां विजय है विजय दिव्या देश्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है तो यहां दिव्या दे विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है और प्रवीण से दक्षिण की ओर है अब यहां कंफर्म हो गया माइडियर तो कह रहा है कि विजय के संदर्भ में संध्या किधर है तो विजय के संदर्भ में संध्या किधर है उत्तर पूर्व की ओर ऑप्शन नंबर सी मीन्स सिर्फ क्वेश्चन घुमा रहा है सिर्फ क्वेश्चन को आपको घुमा रहा है माइडियर आप सिर्फ क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें ऑल ऑफ यू वो सिर्फ आपको पैनिक करता है कि आप कैसे कैच कर दो तो यहां जो सबसे महत्वपूर्ण था कि विजय विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है और, और प्रवीण से दक्षिण की ओर है विजय के संदर्भ में संध्या किधर है बहुत बहुत धन्यवाद मीरा थैंक यू वेरी मच ओके गुफरान अख्तर हरी आप ये बताएं बी एक हवाई अड्डा है जो शहर के दक्षिण पश्चिम में चार किलोमीटर की दूरी पर है शहर सी ए के दक्षिण में है और बी के पूर्व में है शहर सी डी के पश्चिम में चार किलोमीटर की दूरी पर है डी एक हवाई अड्डा है तो शहर ई e के दक्षिण में चार किलोमीटर की दूरी पर है शहर ए e के संदर्भ में ई किधर है बना के दिखाएं प्लीज तो बी एक हवाई अड्डा देखो बी जो है एक एयरपोर्ट ए के दक्षिण पश्चिम में चार किलोमीटर की दूरी पर है ए के दक्षिण पश्चिम में चार किलोमीटर की दूरी पर शहर सी ए के दक्षिण में शहर ए के दक्षिण में और बी के पूर्व में है सी जो है वह ए के दक्षिण में और बी के पूर्व में है चले सी डी के पश्चिम दिशा में चार सी डी के पश्चिम में चार किलोमीटर की दूरी पर है सी डी के पश्चिम में चार किलोमीटर की दूरी पर है डी एक हवाई अड्डा है जो ई के दक्षिण में चार किलोमीटर की दूरी पर है ई के दक्षिण में चार किलोमीटर की दूरी पर है डी एक हवाई अड्डा है जो ई के जो जी के ई के दक्षिण में चार किलोमीटर की दूरी पर है शहर ए के संदर्भ में ई किधर है ए के संदर्भ में ई किधर होगा बताएं। ए के संदर्भ में ई किधर होगा जल्दी बताएं उत्तर पूर्व में उत्तरपुर। क्योंकि ये दूरी ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये चार है तो ये चार चार तो होगा ही नहीं जब ये चार है तो ये वैल्यू राइट नेक्स्ट अब ये टॉपिक है डेटा सफिशियंसी यूपीएसआई में मैं बार बार बोल रहा हूं कि डेटा सफिशियंसी वाले क्वेश्चन आएंगे उसको आपको ठीक से बनाने की जरूरत है सूर्या के पिता की यादाश्त के अनुसार सूर्या का जन्म 16 के बाद और 25 से पहले है सोलह के बाद और पच्चीस से पहले हैं सूर्य की माँ को यादाश्त है कि उसका जन्म बाईस के बाद और छब्बीस के पहले हैं तो इन दोनों को मिलाकर क्या मैं उत्तर दे सकता हूं यदि मैं स्टेटमेंट वन और टू को मिला देता हूं तो क्या इससे सूर्य की जन्म तिथि क्या है निकालना संभव है रिप्लाई करना आप लोग ऑल ऑफ यू यदि मैं वन को पढ़ूंगा तो होने की संभावना सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और टू को पढ़ता हूं तो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव कंफर्म नहीं है दैट मीन डी कथन एक और दो मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है तो कथन वन एंड टू दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है डी इज अप्रोप्रिएट डी करेक्ट नेक्स्ट स्कूलों में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए तर्क पूछा गया है क्या स्कूलों में धर्म को पढ़ाया जाना चाहिए तो कह रहा नहीं हमारा देश धर्म निरपेक्ष है तो हमारा देश धर्म निरपेक्ष है इससे क्या मतलब यह कोई आर्गुमेंट नहीं राइट 23 कैसे वो फ्र ठीक से बनाए यह सही नहीं है हां धर्म की शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म देती है मॉरल वैल्यू को बढ़ाती है यह सही होगा धर्मनिरपेक्ष है तो स्कूल में शिक्षा से क्या तात्पर्य मैं किसी धर्म की बढ़ावा की तो बात नहीं कर रहा हूं लेकिन यह सही है कि चाहे कि किसी भी धर्म की बात करूं किसी भी धर्म में नैतिक मूल्य को ही बढ़ावा दिया गया मॉरल वैल्यू को बढ़ाया गया इसका आंसर बी होगा धर्म निरपेक्ष वर्ड से यहां कोई वास्ता नहीं होना चाहिए राइट right. क्या भर्ती प्रक्रिया में मनोमितीय परीक्षण करना अनिवार्य है क्या भर्ती परीक्षा में साइकोलॉजिकल परीक्षण करना अनिवार्य होना चाहिए तो कह रहे हैं हाँ हमें इस काम के लिए ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना है जो दबाव की स्थिति में भी स्पष्ट निर्णय ले सके हाँ या ना ये बहुत सही है साइकोलॉजिकल का मतलब है कि यदि कोई कंडीशन ऐसा आ जाए जहां प्रेशर हो रहा है वहां भी वो अच्छा निर्णय ले पाए ये हो गया सेकेंड नहीं यह अधिकतर उम्मीदवारों को अलग कर देगा और बेरोजगारी बढ़ा देगी मेरा ओनली वन सी केवल तर्क एक मजबूत होगा क्योंकि यह हमारा एजेंस हो गया नेक्स्ट एक कूट भाषा में स्विंग एस डब्ल्यू आई एन जी का कोड है पी एस एफ ई कुछ मिस्टेक लग रहा है इसमें ये मिस्टेक है इसमें कुछ मिस्टेक है इसको मैं भी रोकता हूँ कुछ मिस्टेक है इसमें यहाँ देखें भारतीय नौकरशाह दुनिया में सबसे कम कुशल हैं ब्यूरोक्रेट के बारे में कह रहा है कि वो सबसे कम कुशल हैं यहाँ निकालना है पूर्वानुमान एजम्सन यहाँ क्या आपसे पूछा गया एजम्सन्स तो एजमसन से पिछले कुछ वर्षों में नौकरशाही के कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में गिरावट आई है पिछले कुछ वर्षों में कह रहे है कि गिरावट आई है राइट तो ये मेरा एजेंपस भारतीय नौकरशाह दुनिया में सबसे कम कुशल हैं तो गुणवत्ता में गिरावट आई है भारतीय लोक सेवकों को, को विश्व का बेहतरीन काम टालने वाला माना जाता है ये तो अपना सुपर एजेंप्सन तो पिछले कुछ वर्षों में नौकरशाही के कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में गिरावट आई है तो गिरावट आई है तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन ये बताएं ट्रू नहीं निकालना है भारतीय नौकरशाह दुनिया में सबसे कम कुशल है तो कम से सबसे कम कुशल है तो यह कहना कि भारत में कुछ दिनों से गुणवत्ता में गिरावट आई है इस एजेंसी का क्या तात्पर्य है ये नहीं होगा इसका आंसर होगा ना तो एक ना दो निजर्म टू पिछले कुछ वर्षों में आई है तो वर्ल्ड का सबसे लो कुशल हम कैसे बना देंगे यहां कथन के बियॉन्ड एजम्सन मत लेना राइट डी नेक्स्ट सारे छात्र इंजीनियर हैं सभी छात्र क्या है? हैं इंजीनियर हैं प्लीज और फिर लिखा हुआ है कुछ इंजीनियर कुछ इंजीनियर वैज्ञानिक हैं कुछ इंजीनियर जो हमारे हैं वे वैज्ञानिक हैं कुछ वैज्ञानिक विवाहित हैं कुछ वैज्ञानिक जो हैं वह विवाहित हैं है। और कोई विवाहित विधुर नहीं हैं कोई विवाहित जो हैं वह विधुर नहीं हैं सुनने का प्रयास करें सभी छात्र इंजीनियर हैं कुछ इंजीनियर वैज्ञानिक हैं कुछ वैज्ञानिक विवाहित हैं और कोई विवाहित विधुर नहीं है क्लियर अब देखना कुछ छात्र वैज्ञानिक है तो छात्र का वैज्ञानिक में मुझे लेते नहीं मालूम कांट से कुछ इंजीनियर विवाहित हैं इंजीनियर का विवाहित में मुझे नहीं मालूम कांट से कुछ वैज्ञानिक विधुर नहीं है तो कुछ वैज्ञानिक विधुर नहीं है यह सही होगा क्योंकि जो वैज्ञानिक विवाहित हो गया जो वैज्ञानिक विवाहित हैं, वह विधुर नहीं है कुछ विधुर वैज्ञानिक नहीं है विधुर का वैज्ञानिक में कांट से इसका आंसर होगा ओनली थर्ड क्या होगा ओनली थर्ड केवल तीन अनुसरण करते केवल तीन अनुसरण करता है ओनली सी राइट डियर प्लीज कुछ विधुर वैज्ञानिक नहीं है तो विधुर से वैज्ञानिक हम नहीं जाएंगे बोलेंगे केवल तीन ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी राइट right, नेक्स्ट अब ये टॉपिक है इनपुट आउटपुट दिस टॉपिक इनपुट आउटपुट और इस टॉपिक से तीन क्वेश्चन आने हैं इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने हैं तीन क्वेश्चन या इनपुट लिखा हुआ है स्टेप वन टू तो, थ्री फोर और इस प्रकार आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है यहां लिखा हुआ है 92, टू ट्वेंटी सेवन थर्टी फाइव सिक्सटी फोर ट्वेंटी फोर सेवन ट्वेंटी एट और थर्टी नाइन यह इनपुट है और ध्यान देना कि यूपीएसआई में इनपुट आउटपुट से मिनिमम कितने क्वेश्चन आएंगे तीन क्वेश्चन राइट राइट माइडियर टेक्निकल टीम देखें मैसेज में क्या दिक्कत आ रही माइडियर पढ़ नहीं पा रहा हूं प्लीज अब यहां देखना आप स्टेप वन में ट्वेंटी सेवन और यहां नाइन्टी टू तो आप यह बताना यहां हमने कितने लॉजिक कैरी किया दो सबसे छोटी संख्या लेफ्ट में सबसे छोटी संख्या लेफ्ट में और सबसे बड़ी संख्या राइट right में वी कैरी टू लॉजिक और यह इसके अलावे सभी नंबर एजिट 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 हो रहे हैं सभी नंबर यहाँ एजिट दिखाई पड़ रहा है अगले स्टेप में ट्वेंटी सेवन के बाद थर्टी फाइव यह एजिट है तो अब आप बताओ कि वाई थर्टी फाइव तो सबसे छोटी संख्या ट्वेंटी फोर है बट वी कैरी मेरा घबराए नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं एक्चुअली यहाँ सबसे छोटी संख्या ट्वेंटी सेवन नहीं है सबसे छोटी संख्या ट्वेंटी फोर है तो हम यह बोलना ऑड वाले लेफ्ट में इवन वाले राइट में ऑड वाले लेफ्ट में इवन वाले राइट में तो आप इसको ध्यान से देखें कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि वाई वी कैरी ट्वेंटी सेवन वाई वी कैरी नाइन्टी टू तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर लेफ्ट में चला गया और लार्जेस्ट इवन नंबर राइट में चला गया यदि 27 सेवन यहां है तो वो सबसे छोटी विषम संख्या है और यहां 92 टू है तो सबसे बड़ी इवेंट नंबर है राइट right, डियर तो यहां लेफ्ट में स्मॉलेस्ट ऑड नंबर सबसे छोटी विषम संख्या और यहां लार्जेस्ट इवेंट नंबर सबसे बड़ी सम संख्या सबसे बड़ी सम संख्या इवेंट नंबर और इसके अलावा अब सभी नंबर एजिट पिक हो रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं जब मैं यहाँ ट्वेंटी सेवन देखा तो थर्टी फाइव बट ये थर्टी फाइव सेकेंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है। दूसरी सबसे छोटी भी सम संख्या जो अपनी जगह पर बैठा हुआ है यहाँ देखो आप 92 के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इवेंट नंबर 64 है द्वितीय सबसे बड़ी सम संख्या और इसके बाद यह एज इट कैरी हो गया 27 के बाद 35 पुनः 39 नाइन वाई 39, तीसरी सबसे छोटी भी सम संख्या यहां 92 64 28 Y28 तीसरी सबसे बड़ी सम संख्या यहां 27, 35, 39, 87 Y87 सबसे बड़ी विषम संख्या यहां 92 64 28 24 सबसे छोटी सम संख्या तो हम यह बोलें कि यह लेफ्ट लेना है सबसे छोटी विषम संख्या राइट right लेना है सबसे बड़ी सम संख्या प्रत्येक स्टेप में वी कैरी टू लॉजिक यहां 27 सेवन वहां नाइन्टी टू यहां 27 के बाद 35 फाइव वहां सिक्सटी फोर यहां थर्टी के बाद 28 एट यहां पुनः इस प्रकार ऐसे बन गया अब इस बेस पर आपके पास क्वेश्चन दिए गए इनपुट अब कह रहा है कि इस इनपुट का थर्ड स्टेप क्या होगा तो यदि हम स्टेप वन की बात करें तो स्टेप वन में मुझे यह बताएं कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है तो वह है ट्वेंटी और सबसे बड़ी सम संख्या है नाइन्टी एट स्टेप वन में मैं पूरा बना दूंगा एक बार बना लेंगे तीन के तीन क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और जब यहाँ ट्वेंटी नाइन आपने कैरी कर लिया ट्वेंटी नाइन और नाइन्टी एट तो अब अन नंबर को एजिट कैरी करना जैसे यहाँ लिखेंगे थर्टी नाइन फोर्टी सिक्स फिफ्टी एट सेवेंटी वन सेवेंटी नाइन फोर्टी टू अगले स्टेप पर आप आएंगे सेकेंड में तो ट्वेंटी नाइन से बड़ी विषम संख्या कौन है तो 39 नाइन यू यू ही है लेकिन यहां 98 से छोटी सम संख्या कौन है तो 58 एट यहां फिफ्टी हो गया देख रहे हो ना तो एजिट हो जाएगा 46 71 79 42 थर्ड स्टेप ट्वेंटी नाइन थर्टी नाइन फिर देखें थर्ट नाइन के बाद थर्ड कौन है सेवेंटी वन और यहां देखें तो नाइनटी एट फिफ्टी एट और ये फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स क्लियर बॉयस अब ये फोर्टी सिक्स चला गया सेवेंटी वन बचा कौन सेवेंटी नाइन और फोर्टी टू अब आप देखो अगले स्टेप पे फोर्थ स्टेप पे क्या होगा ट्वेंटी नाइन थर्टी नाइन सेवेंटी वन सेवेंटी नाइन एट फिफ्टी एट फोर्टी सिक्स और ये फोर्टी टू मींस यह चार स्टेप में समाप्त हो जाएगा ये इनपुट राइट लास्ट स्टेप ट्वेंटी नाइन थर्टी नाइन सेवेंटी वन नाइन फोर्टी टू गलत बना रहे 42 कैसे होगा 98, एट फिफ्टी एट फोर्टी सिक्स फोर्टी टू पंकज गलत बना रहे माय डियर पंकज पंकज मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ यहाँ देखो पंकज इसके अनुसार चलना है श्रीमान पंकज आप अपने मन से बना रहे मैं यहाँ के अनुसार चल रहा हूँ सबसे बड़ी संख्या यहाँ है फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ इस रूप से जा रहा बाहर आए इस, इस प्रकार राइट तो पूछा गया थर्ड स्टेप क्या होगा तो आप बताओ थर्ड स्टेप में क्या होगा ट्वेंटी नाइन थर्टी नाइन सेवेंटी वन फोर्टी सिक्स ट्वेंटी नाइन थर्टी नाइन सेवेंटी वन सेवेंटी नाइन फोर्टी टू नाइन्टी एट फिफ्टी एट फोर्टी सिक्स ये क्या होगा डी डी होना चाहिए डियर किसी का भी डी नहीं दिखाई पड़ रहा है ऐसा क्यों वाई भटकाव क्यों हो रही है नाइन्टी एट इस प्रकार जा रहा है वाई डी मोतीलाल ने सही बनाया देखो यहाँ सबसे अपने मन से मत बनाना सबसे बड़ी संख्या 92 है फिर यहां आ गया फिर यहां इस प्रकार भाग रहा है तो पूछा कि थर्ड स्टेप क्या होगा बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि इनपुट सेम यही है तो कह रहा चौथे में कौन सा था तो बाई सिरे से दूसरे के दाएं तीसरा होगा चौथे स्टेप में लेफ्ट से सेकेंड से के राइट थर्ड चौथे स्टेप में लेफ्ट के सेकेंड के राइट right, थर्ड 98 98 सी 98 राइट राइट डन आकिब खान डी क्लियर चौथे स्टेप में लेफ्ट से सेकेंड के राइट right, थर्ड तीन और दो पांच 98 बन गया नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट में दो क्या कर रहा है नीचे इनपुट के में से बाएं सिरे से अंतर क्या है ऊपर के चरण लागू किए गए के के इनपुट लिए चरण चरण में कौन से चरण में कुछ छूट गया है कौन से चरण में ये नहीं लिखा हुआ है यहाँ बाई ओर से तीसरे और दाई सिरे से चौथे स्थानों के बीच का अंतर क्या है यहाँ स्टेप का नाम छूटा हुआ है तो यदि स्टेप का नाम होता तो मैं इसका आंसर बना भी पाऊंगा वैसे कैसे बता पाऊंगा यदि फर्स्ट स्टेप है कि सेकंड स्टेप है मान लीजिए यहाँ लिखा होता कि ऊपर के चरणों में लागू किए गए नियमों के अनुसार निश्चित एक इनपुट के लिए चरण में इसी इनपुट के का रहा है बाएं से तीसरे लेफ्ट से थर्ड 98 और दाएं से चौथे एक दो तीन चार का अंतर कितना है तो 27 कोई स्टेप नहीं कर रहे कर रहे इसी इनपुट में लेफ्ट से तीसरे और राइट से चौथे के बीच का अंतर क्या होगा तो 98 एट माइनस सेवेंटी विल बी 27 सेवन सी काफी अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट अब आपके पास एक एनलॉगी वाले क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो शब्द उस प्रकार संबंधित नहीं है यहाँ पढ़ना संबंधित नहीं है जैसे दिए गए शब्द युवों के बीच में है तो यहां न्यूरॉन का ब्रेन है तो न्यूरॉन का ब्रेन है ब्रेन के अंदर न्यूरॉन होते हैं तो पत्ती में लीफ होते हैं ब्लैंकेट में ऊन होते हैं कंप्यूटर में चिप होता है लेकिन पॉलीथीन में पोटासियम नहीं होते फिर इसका आंसर क्या होगा ए हमें पहचानना है कि जो संबंधित नहीं है देखो डी बोल दिया ना नो लीफ पत्ती में पेड़ में पत्तियां होती हैं कंबल में ऊन होता है कंप्यूटर में चिप होता है लेकिन पॉलिथीन या पोटासियम नहीं होता ए इज ऑड बन आउट नेक्स्ट उस विकल्प का चयन करें तो 19 का 133 थ्री थ्री है तो 23 का क्या होगा एनी वन नाइनटीन का ट्वेंट वन थ्री थ्री है तो कहा गया 23 का क्या होगा एनी वन ए डी लॉजिक बताए डी वाले चौधरी निशांत शांत अच्छा बना रहे हो डी मुझे बताओ 161 कैसे आया प्लीज रिप्लाई मी बहुत उम्दा रिप्लाई है मुझे बताएं एनी वन वन सिक्स वन कैसे आया क्या याद करके बैठे हो वन सिक्स वन के पीछे लॉजिक नाइनटीन का सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिलेट टू थर्ड नंबर इन द सेम वे एट द सेकेंड नंबर रिलेट टू फर्स्ट जिस पर वेल्डन वेल्डन नाइनटी इंटू 9 ये कहना चाह रहे हो क्या नो no. 19 इंटू सेवन ट्वेंटी थ्री इंटू सेवन वन सिक्सटी वन राइट मेरा ए नहीं बहुत अच्छा रिप्लाई दिए मोतीलाल वेल डन डी नेक्स्ट कह रहा है कि लिक्विड वाटर इनफ्ल का क्या होगा लिक्विड वाटर लिक्विड और ज्वलनशील आप जानते हो कि जल ज्वलनशील नहीं है तो आप बताएं कि इनमें से कौन सा डायग्राम उपयुक्त हैं कौन सा डायग्राम सुटेबल है जल्दी बताएं विच डायग्राम इज सुटेबल तो आप जानते हो कि सभी के सभी वाटर क्या होंगे लिक्विड होंगे और कुछ लिक्विड जो होंगे वो ज्वलनशील होंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा सी नो बी नहीं गुफरान कहाँ ध्यान है ज्वलनशील पदार्थ लिक्विड होते हैं पेट्रोल कुछ पेट्रोल ज्वलनशील भी हैं कुछ पेट्रोल क्या हैं ज्वलनशील भी हैं सी आकिब खां बी नहीं ट्वेंटी का सी कहां ध्यान है पेट्रोल ज्वलनशील नहीं है क्या ओ माई गॉड वाले छात्र सी इज करेक्ट के के एक पंक्ति में बाई से सोलहवें स्थान पर हैं। तो एक बालक है, जिसका रैंक से 16 है और पीजी जाए पीजी एक बालक है जो राइट से अठारवे स्थान पर है तो के के पंक्ति में बाई ओर से सोलहवे पर है और पीजी राइट right से अठारहवें स्थान पर हैं एमजे के के से दाए एमजे के के से दाई और ग्यारहवें स्थान पर हैं तो यहां एमजे हैं और एमजे का रैंक ये कन्फर्म है कि के के से दाई और ग्यारहवें पर हैं अर्थात एमजे का रैंक लेफ्ट से ट्वेंटी सेवन हो गया सोलह प्लस ग्यारह ट्वेंटी सेवन और दाई ओर से पीजी से तीन स्थान पर हैं दाई ओर से लिखा है आ, राइट, राइट एंड थर्ड फ्रॉम पीजी जी द राइट एंड राइट एंड से थर्ड है एक दो तीन मतलब राइट से इसका रैंक पीजी से राइट से क्या हो गया जल्दी बताएं जल्दी बताया मैडिया तो यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एमजी के के से दाई और तीसरे स्थान पर है ग्यारहवें स्थान पर है और दाई ओर से पीजी से तीन स्थान पर है इक्कीस बयालीस देखो यहां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सबसे पहली बात यह कह रहे हैं के के एक पंक्ति में बाई ओर से सोलहवें स्थान पर है राइट right, सुनना ध्यान से और पीजी दाई और से अठारहवें स्थान पर है अब कह रहा है एमजे के के से दाई ओर ग्यारहवें स्थान पर है और दाई ओर से पीजी से तीसरे स्थान पर है ओके okay. तो अब आपको यहां देखना क्या होगा माइडियर यहां देखने की जरूरत क्या है कि यदि मैं यहां लेता हूं एमजे यहां लेता हूं एमजे तो एमजे का रैंक लेफ्ट से कितना हो गया 16 प्लस एगारह ट्वेंटी सेवन राइट और राइट right से लिखा हुआ है यहां साफ लिखा हुआ है और दाई ओर से पीजी से तीन स्थान पर है राइट पंद्रह अब आप यह बताओ कि राइट से पंद्रहवें स्थान पर हो गया तो पूछा गया पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं तो बहुत सिंपल सी बात है ट्वेंटी सेवन प्लस फिफ्टीन माइनस वन तो फोर्टी टू माइनस वन विल फोर्टी वन सी सी डियर प्लीज के के का रैंक लेफ्ट से सोलहवें स्थान पर है और एमजे एम जे का रैंक दिखा रहा माइडियर एमजे का जो रैंक है वह एमजे का जो रैंक है वह के पंक्ति में बाई सोलहवें स्थान पर है पीजी का रैंक राइट से अठारवे स्थान पर है एम जे के से दाई और ग्यारहवें स्थान पर है सोलह प्लस ग्यारह ट्वेंटी सेवन और या एमजे पी से राइट तीसरे स्थान पर है तो पंद्रहवें स्थान पर है तो ट्वेंटी सेवन प्लस फिफ्टीन माइनस वन फोर्टी टू माइनस वन बोली फोर्टी वन सी गुड नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्द कोर्स के अनुसार होते हैं तो यह कहलाता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड ऑन डिक्शनरी बेसिस राइट माइडियर आकाश क्या कह रहे हो सर पेपर प्रेजेंटेशन प्रिवेल प्रिकॉशंस प्रिकेरियस और प्रिंटेस जल्दी बताएं इसमें क्या होगा माइडियर इन पांच को बताने का प्रयास करें माइडियर इन पांच में सीक्वेंस क्या होगा तो इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले पी होगा तो यहां देखें पी आर पी आर सी पी आर टी पी आर वी पी आर सी ए तो पी आर सी ए आर सी ए यू तो पहला वर्ड होगा चार नंबर हाँ ना तो चार नंबर के बाद होगा तीन चार और तीन यही दिखाई हैं आगे जरूरत है ही नहीं इसका आंसर क्या होगा बी फर्स्ट डिक्शनरी में ये दिखाई पड़ेगा सेकंड ये आएगा थर्ड ये आएगा आपका फोर्थ ये और फिफ्थ ये तो फोर्थ थ्री वन फाइव टू बी मोतीलाल नेक्स्ट अब करें कि निम्नलिखित जीवों का एक तार्किक अर्थपूर्ण क्रम में निकालें ये शब्द दिए गए हैं आपको बताना है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड दिस टॉपिक इज लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड दैट मीन्स इन शब्दों का तार्किक क्रम क्या होगा पहले नेचर पर क्या आया डायनासोर आया होगा मैमल्स होंगे जीवाणु होंगे शुरुआती सर स्प होंगे या मछली होंगे मैं चाहूंगा कि मेरे सभी छात्र इसका आंसर सिक्वेंस बनाने का प्रयास करें द हब डीपी यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर, सबसे पहले नेचर पे क्या आया होगा तो पहले बैक्टीरिया आया होगा नंबर वन लॉजिकल सिक्वेंस पहले जीवाणु आए होंगे पहले जीवाणु जीवाणु के बाद क्या आया होगा बताए मछली इसका इंग्लिश ये गलत लिखा हुआ है ये इंग्लिश गलत है हिंदी को पढ़ें ये कुछ उल्टा आ गया है इंग्लिश गलत लिखा गया माइडियर प्लीज इंग्लिश गलत आ गया इसका सिक्वेंस ही गलत लग रहा है हमें आगे बढ़ते हैं वो हिंदी इंग्लिश गलत यहां देखें राजेश राम के पुर में खड़ा है राजेश जो हैं वह राम के पूर्व में हैं राजेश राम के इष्ट में हैं राजेश राम के पूर्व में खड़ा है जो राम के लिए जो रमेश के उत्तर में है जो रमेश के उत्तर में है राजेश राम के पूर्व में खड़ा है जो रमेश के उत्तर में जो किसके लिए राम के लिए यदि रोहन रमेश के दक्षिण में खड़ा हो यदि रोहन रमेश के दक्षिण में या देखें प्लीज फिर से बता रो राजेश राम के पूर्व में है राजेश राम के पूर्व में है जो रमेश के उत्तर में है राम रमेश के नॉर्थ में रमेश के उत्तर में यदि रोहन रमेश के दक्षिण में हो रोहन रमेश के दक्षिण में हो तब राजेश के संदर्भ में रोहन किधर है साउथ वेस्ट ए साउथ वेस्ट जल्दी बताना क्लियर साउथ वेस्ट राजेश राम के पूर्व में है जो राम के लिए हैं रमेश के उत्तर में यदि रोहन रमेश के दक्षिण में हो तो राजेश के संदर्भ में रोहन किधर है साउथ वेस्ट में है ट्रुथ फिक्शन सत्य का झूठ अपोजिट है सत्य का झूठ अपोजिट है तो एसपीडी का यह तीव्र काम डी नेक्स्ट रेखा आर्यन की मां है देखो डियर रेखा जो है तो किसकी मां है आर्यन की मां है तो यदि रेखा आर्यन की मां है तो आर्यन मे बी सन मे बी डॉटर आनंद अर्पण के पिता हैं यदि आर्यन अर्पण और राहुल के भाई हैं यदि आर्यन जो भाई हैं वो किसके भाई हैं अर्पण और राहुल के भाई हैं राहुल के भाई हैं प्लीज रेखा आर्यन की माँ है आनंद अर्पण के पिता हैं आनंद जो है अर्पण के पिता है इसका मतलब रेखा का पति कौन है आनंद ये कन्फर्म हो गया प्लीज रेखा आर्यन की माँ है आनंद अर्पण के पिता हैं यदि आर्यन अर्पण और राहुल के भाई हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है राधे राधे प्रमोद यादव जी राहुल और रेखा संबंधित नहीं है राहुल का रेखा संबंधित है रेखा मां है देख रहे हो ना रेखा मां हो जाएंगे इनकी राहुल और रेखा नॉट रिलेट राहुल राहुल और रेखा संबंधित नहीं है यदि आर्यन अर्पण और राहुल का भाई हैं तो कौन सा कथन गलत है आनंद आर्यन के पिता हैं, यह भी सही है रेखा आनंद की वाइफ है यह भी सही है आर्यन के टू सिबलिंग हैं यह भी सही है लेकिन राहुल और रेखा संबंधित नहीं है ये गलत है अर्थात संबंधित हैं रेखा माँ है राहुल की इसका आंसर ए हो गया पूछा गया कौन सा कथन गलत है तो ए हो जाएगा माय डियर राहुल एंड रेखा नॉट रिलेट गलत रिलेट है अच्छा क्वेश्चन है यहां देखो यह पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन को यदि मैं इसको ओपन करूंगा तो व्हाट इट लुक्स लाइक वो क्या दिखाई देगा तो इसका कि नियम पढ़ाया था जैसे जैसे फोल्ड वैसे वैसे रिओपन जब भी कभी पेपर कटिंग में ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर हो टॉप बॉटम बॉटम टॉप वाटर इमेज राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट मिरर इमेज तो ये ऊपर आ गया तो इस रूप से ऐसे हो जाएंगे क्लियर तो निश्चित तौर पर ये गलत ये गलत ये गलत बी दिखाई पड़ा है। दिमाग क्यों लगाएं बीज करेक्ट बीज करेक्ट दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं दस सेकेंड बन जाएगा नेक्स्ट एक घड़ी को घुमाया जाता है और अंक छह बारह से और अंक तीन नौ से बल जाते हैं देखो यदि हम इस प्रकार देख रहे हैं तो यहां बारह है यहां तीन यहां तीन यहां छ और यहां नौ इस प्रकार बदल गया तो ये बन गया सिक्स ये बन गया ट्वेल्व ये बन गया सिक्स और ये बन ये बन गया नाइन और ये बन गया थ्री सिक्स ट्वेल्व नाइन थ्री तो एक घड़ी को घुमाया जाता है छ से बारह और तीन से नौ तो घड़ी के घंटे और मिनट की सुई बाईस पंद्रह पर किधर होगी बाईस पंद्रह का मतलब ही हो गया बाईस पंद्रह का मतलब हो गया दस पंद्रह तो दस पंद्रह में घड़ी इस प्रकार ऐसे होंगे कुछ इस प्रकार दस पंद्रह सही बजेगा दस पंद्रह तो पूछा गया कि घड़ी के, के घंटे और मिनट की सुई तो घंटे की सुई कहाँ होगी घंटे की सुई कहां होगी नॉर्थ वेस्ट में और मिनट की सुई कहां होगी ईस्ट में नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट लेकिन ये बदल गया है ये भी देखना कि ये बदला हुआ है माईडियर ये जो है सो आपके चेंज हैं तो जो नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट और ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा वेस्ट ये क्योंकि जो ही हमने प्लीज डीपी यादव क्योंकि जो ही मैंने देखा माइडियर मैं नौ को तीन और बारह को छः इसका मतलब वन एट्टी और जब ये वन एट्टी हो गया तो निश्चित तौर पर जो नॉर्थ वेस्ट है वो साउथ ईस्ट हो जाएगा ईस्ट वो हो जाएगा राइट डी पी यादव खाना खा लो बहुत बहुत धन्यवाद माइडियर नेक्स्ट करेक्ट उस विकल्प का चयन करें जो अंतर्निहित हैं आपको बताने हैं विच फिगर इज इम्बैडेड आकृति में कौन सा आकृति एम्बैडेड है आपको बताना इसमें इम्बैडेड फिगर कौन है जल्दी बताएं बताना इस फिगर को आप ध्यान से देखना इनमें से कौन से विकल्प में यह इम्बेडेड है विच ऑप्शन इसमें कौन से विकल्प इम्बेडेड है ए गलत बी भी गलत जल्दी बताएं, जल्दी बताएं मैडी जल्दी बताना जल्दी बताएं हरिया सी भी गलत डी देखो इस प्रकार कुछ आ रहा है ना इस प्रकार डी करेक्ट डी एम्बेडेड फिग में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आसानी से बना सकते हैं कह रहे हैं कि निश्चित कूट भाषा में सनराइज एस यू एन आर आई एस ई -E, सनराइज का कोड है यू जेड पी डब्ल्यू के एक्स जी तो यहां देखना कि एस का नाइनटीन यू का ट्वेंटी वन एन का फोर्टीन आर का एटीन नाइन नाइनटीन और फाइव यहां देखें ट्वेंटी वन ट्वेंटी सिक्स सोलह ट्वेंटी थ्री एलेवन ट्वेंटी फोर और सेवन अब आपसे कहा गया कि सनराइज का कोड है यू जेड पी डब्ल्यू के एक्स जी तो डर का डी ए आर के आर का कोड क्या होगा राइट right. सोच के बताएं तो प्लीज क्या दिमाग लगा रहे हो आप लोग क्या सोच रहे हो इसका आंसर क्या होना चाहिए कैसे लॉजिक अप्लाई किया गया होगा जरा सोच के प्रयास करें U -Z -P -W K X G तो के इज द कोड ऑफ डरकार जल्दी बताने का प्रयास करें प्लीज कुछ लॉजिक मालूम चल रहे हैं प्लस टू प्लस फाइव प्लस टू प्लस फाइव वेल डन कौन ग्रेट बालक है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच देखो कितना उमदा रिप्लाई आपने का प्लस टू प्लस फाइव प्लस टू प्लस फाइव प्लस टू प्लस फाइव प्लस टू प्लस टू प्लस फाइव प्लस टू प्लस फाइव प्लस टू प्लस फाइव प्लस टू प्लस फाइव तो यहां मैंने कहा डरकार डी ए आर डी ए आर के ए आर फोर वन एटीन एलेवन वन एटीन तो प्लस टू ई एफ एफ प्लस फाइव सिक्स एफ ए एज करेक्ट बाद में देखना तो कमेंट जरूर करना कैसा लगा अब लिखो जैम का कोड 24 है और कैट का कोड भी 24 है तो पूछा गया द कोड ऑफ वैक्स डब्ल्यू ए एक्स वैक्स का कोड क्या है गुफार अक्सर ऑप्शन कैसे नहीं है ऑप्शन में लिखा हुआ देख लो ए में है तो यहां नंबर को बैठाना जे का टेन वन थर्टीन इनका सम कर दें ट्वेंटी फोर थ्री वन ट्वेंटी सम कर दो ट्वेंटी फोर तो मैंने कहा वैक्स डब्लू ए एक्स वैक्स में डब्लू ए एक्स वैक्स में कुछ नहीं करना है ट्वेंटी थ्री वन और ट्वेंटी फोर ट्वेंट फोर्टी ए ए राइट पंकज डन ए बहुत उम्दा रिप्लाई ए वाले छात्र अच्छा रिप्लाई किए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाना कराए कि निम्नलिखित में से उस घन को मोड़ा जा सकता है जो ज्ञात करें दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा पढ़ाया था ना जब कभी ओपन होगा तो ट्रिपलेट अपोजिट टू अदर तो यहां ट्रिपल टू का कौन है फोर डी फोर अब रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो श्रेणी से बाहर है क्लियर हमारे पास कुछ ऐसे नंबर हैं जे ई ट्वेंटी एल जेड ट्वेंटी वन पी यू ट्वेंटी टू वी पी ट्वेंटी फोर ई ट्वेंटी फाइव इसमें नंबर दिए गए हैं आपको बताने कि इसमें कौन सी गलत है ब्रैकेट में नंबर क्या ये ट्वेंटी वन सही है या नहीं वह बताने की आपको जरूरत है और इस ई e के बारे में क्या विचार हैं इसको मैं दो मिनट का टाइम दे रहा हूं जल्दी बताने क्या सोच रहे हो आप जैसे यहां देख रहा हूं जे का टेन ई e का फाइव ट्वेल्व ट्वेंटी सिक्स राइट माइडियर तो ट्वेंटी के बाद ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन के बाद ट्वेंटी टू फिर ट्वेंटी फोर फिर ट्वेंटी फाइव लॉजिक क्या लग रहा है एल जेड इक्कीस पी यू बाईस तो यह लग रहा है कि यहां ई e नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से यहां ई नहीं होना चाहिए और ये सही लग रहा है ओके बत्तीस का डी डी तो डी तो बनाए हो ना मैडिय डी, डी चार अच्छा इसका अंदर डी होगा डन डी होगा कि फर्स्ट ब्रैकेट नंबर मतलब प्रथम कोष्टक में दी गई संख्या सही है और सेकंड में गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें छह बच्चे एबीसीडी एफ e, एक पंक्ति में खड़े हैं पांच छे एक दो तीन चार पांच छह व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं एफ ई e के दाई और दूसरे स्थान पर है और सी के एकदम बाई और हैं तो यहां इसको ऐसे बनाना कि एफ ई e के सेकेंड राइट है एफ ई के दाई और सेकेंड है और सी के एकदम बाई और हैं और एफ के लिए है डी और सी के बीच में बी है डी और सी के बीच में बी है तो डी और सी के बीच में बी है तो यहां डी डी और सी के बीच में बी है तो यहां कौन होगा बताएं, यहां ए ए बी सी डी तो ई एफ सी बी डी तो कह रहा है कि दाई किनारे पर कौन बैठा है डी बैठा होगा ए ए राइट माइडियर ए प्लीज चेक करें टेक्निकल टीम मैसेज कट गया रिप्लाई करना छात्र रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं प्लीज एज करेक्ट एज करेक्ट यहाँ क्वेश्चन कंफर्म है कि ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में है एफ ई के सेकंड राइट है ई के सेकंड राइट और सी के एकदम बाई ओर हैं और डी और सी के बीच में बी बैठा हुआ तो ऑटोमेटिकली एज एज रिमेनिंग तो इज सिटिंग एक्सट्रीम राइट दाए छोर पे कौन है डी ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट दिज ए इम्बेडेड फिगर यू हैव टू रिप्लाई कि यह फिगर इनमें से किस आकृति में सन्निहित है ओके तो आप देखो कि यहां हमारे पास चार विकल्प हैं। जल्दी बताना नीरज सोनी गुफरान अख्तर ए आपने कहा इस फिगर को देखो डायगोनलिक कट और ये हॉर्जेंटल और फिर वर्टिकल ये कट क्या ए में दिखाई पड़ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स ए में लेके चलेंगे तो यही कट हो गया ये बाहर फिर देखो आप बी तो यूं ही बाहर हो गया डी में फिगर नहीं आ रही है यूं ही बाहर तो बचा कौन सी ऑप्शन से भी आप कर सकते हो विदाउट ऑप्शन भी आप बना सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट करे कि यदि दर्पण को दी गई आकृति के ओर रखा जाता है यू नो मिरर इमेज दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मिरर इमेज का मतलब ही हो गया राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट तो बिगिन फ्रॉम ई और E ऑप्शन यहां नहीं यहां नहीं बचा दो अब देखो अब यहां लास्ट में सी होगा तो ई e, सी दो काफी क्लोज ऑप्शन है तो यहां ई सी एन ई आर ई सी एन ई आर ई एफ और यहां डबल ई e है गलत बचा डी मीन्स आंख आंख मिला के ऑप्शन डाउनलोड आपको सिर्फ देखना है कि यहां ई e, एफ है begins फ्रॉम ई ए भी तो यू ही बाहर हो गया एक को चेक करना यहां डबल ही है कभी होगा ही नहीं इज करेक्ट है, टू सेकेंड इनफ फॉर दिस क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन टू डिवाइड टू इंटू थ्री वन टू प्लस ट्वेल्व माइनस फिफ्टी फोर का मान जीरो है तो आपसे पूछा गया विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन इनमें से किन दो चिन्ह को आपद बदलने की जरूरत है कि जिससे ये प्रूफ हो जाए कि जीरो हैं इसका बता रहा हूं शॉर्ट ट्रिक यहां डिवाइड वन करने पर वैल्यू बहुत ज्यादा हो जा रही हैं तो हम ऑप्शन से करें कि माइनस और डिवाइड को बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू काफी ज्यादा होगा गलत प्लस माइनस करने बात नहीं बनेगी मल्टीपल और माइनस यहां माइनस कर दें और यहां मल्टीपल तो चेक करना तो बात बन रही कि नहीं बन रही है बट यदि मैं यहाँ डी को देखता हूँ प्लस डिवाइड यहाँ प्लस और यहाँ डिवाइड तो बात बन सकती है टू प्लस टू इंटू थ्री वन टू डिवाइड ट्वेल्व माइनस फिफ्टी फोर तो क्योंकि यहाँ दिक्कत है तीन सौ बारह ये कट जाएगा टू प्लस टू इंटू टू ज्वेंटी फोर बहत्तर चौवन बावन और दो चौवन माइनस चौवन विल बी जीरो डी क्लियर डी वेल्डन नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट विकल्प का चयन करें जो संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच की संख्याओं के बीच है टू फोर थ्री वन सिक्स टू और नाइन टू फोर थ्री वन नाइन टू और सिक्स जल्दी बताना इसका आंसर क्या होगा क्या सेट लग रहा है आपको इनका सम नाइन 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 तीनों का सम नाइन 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 है यहां देखें तो तीन दो पांच बारह नहीं बना कुछ रिलेशन लग रहा है आपको टू फोर थ्री वन सिक्स टू और नाइन तो निश्चित तौर पर यह संख्या चार से डिवाइड हो यह संख्या तीन से डिवाइड हो जाएंगे सभी या कोई संख्या है जो डिवाइड हो जाए नहीं यह संख्या चार से डिवाइड हो जाएगा बी। या पांच से डिवाइड हो जाएंगे लेकिन यहां देखो आप ध्यान से तो यहां एक लॉजिक यह भी है कि यह संख्या डिवाइड हो रहा है हंड्रेड क्या होगा मैडियर सब नाइन नाइन से काम नहीं चलेगा नाइन नाइन से नहीं चलेगा मैडियर इसका आंसर बी क्यों फोर एट जा मतलब ये मैं ये कहना चाह रहा हूं या इससे भी डिवाइड हो रहा है और इस इस प्रकार बी इज करेक्ट डी नो डी नहीं बी नेक्स्ट देखो आप चार एक ही डाइस के चार पासे हैं तो कह रहा कि टू का अपोजिट कौन है टू थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री टू वन फोर सिक्स फोर सिक्स फोर सिक्स थ्री फोर सिक्स फोर सिक्स वन का फाइव टू थ्री टू थ्री वन का फाइव तो पूछा गया क्वेश्चन में आपसे कि बताओ कि टू का अपोजिट क्या है रिप्लाई में टू का अपोजिट क्या है टू थ्री फाइव सिक्स फोर फाइव सिक्स फोर सिक्स वन थ्री टू भी वन का कट रहा है वन फोर सिक्स आप इन्हीं को देखने का प्रयास करें थ्री टू फाइव फोर सिक्स फाइव 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 कॉमन है टू का सिक्स थ्री का फोर फाइव का वन तो थ्री का फोर फाइव का वन टू का सिक्स पूछे क्या टू का क्या होगा तो टू का सिक्स टू का फाइव नहीं टू का फाइव नहीं डियर टू का सिक्स होगा कहां ध्यान है फाइव फाइव क्योंकि एक पे भी काम चल जाएगा सी लास्ट क्वेश्चन मदर फादर फैमिली मदर फादर अलग हैं दोनों परिवार बनाते हैं बीज करेक्ट बीज करेक्ट बीज करेक्ट ओके इस प्रकार ये क्वेश्चन विराम हुआ कल मिलेंगे वन थर्टी में मॉक टेस्ट किसको लेकर मॉक टेस्ट आप लेके आएंगे मॉक टेस्ट फोर्थ को लेकर जो भी छात्र अभी तक कोर्स को लेना चाहते हैं वीओडी कोर्स आराम से लेने का प्रयास करें सारे क्लास दिए गए हैं उसको आप रिवीजन करें यूट्यूब पर आने का प्रयास करो बहुत ही फायदेमंद होगा सभी के लिए तो कल आएंगे आप लोग एक्जैक्टली वन थर्टी पी एम पर मॉक टेस्ट फोर को लेकर मैं आ रहा हूँ काफी उम्दा आई उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छा लग रहा होगा अच्छा परफॉर्म दे रहे होंगे थैंक यू वेरी मच सभी छात्र का वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना थैंक यू टेक केयर ऑफ थैंक यू